तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मैच डॉक के स्टॉक के बारे में। मैच डॉक के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पे स्टॉक की बात करें तो देखेंगे जो स्टॉक है ये हमको अप्रैल से ही यहाँ पे पहले क्लियर अपडेट में देखने को मिल रहा था। हमको यहाँ पे स्टॉक में लगातार हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन फिर स्टॉक ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया जिसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। हालांकि आज हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 2.34% की यहाँ पर तेजी देखने को मिली है, वो भी स्टॉक के यहाँ पर सपोर्ट लेवल से। तो यहाँ से भी हम स्टॉक में बात कर रहे हैं, अगर यहाँ से स्टॉक में भी और तेजी आती है तो यहाँ से और तेजी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 1934 का पहला यहाँ पर रजिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन ऐसे हमको स्टॉक में 2031, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 227, और अगर स्टॉक यहाँ पर इसको भी ब्रेक किया देन ऐसे हमको स्टॉक में 2454, और इसके बाद अभी हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 2613, और उसके बाद अभी हमको यहाँ पर स्टॉक में 2800, और उसके बाद अभी हमको यहाँ पर स्टॉक में 3000 तक के लेवल से यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज अ नेक्स्ट स्टेप रेजिस्टेंस। भाई यहाँ से अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से भी गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 1814 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करता है ध्यान यहाँ से स्टॉक है 1723, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 1626, और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 1542 तक के लेवल से यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज अ नेक्स्ट स्टेप सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। धन्यवाद।